अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 जून 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2023 अपडेट के बारे में। यूपी टेट में कब से शुरू होगा आवेदन, नई शिक्षक भर्ती 2023 क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, और DLED एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कब से कब तक, पूरी अपडेट देखेंगे। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर क्या है, नया कानून बना तो भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया पर कसेगी नकेल। देखते हैं एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों को। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के भी रहना है। पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। आज 11 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख लास्ट डेट है, 13/6/2023। अगर अभी तक आपने कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस या कुछ भी जो है कि आपकी फीस कंप्लीट नहीं है, तो कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा और आप लोग पहले अपना फॉर्म भरा लीजिए, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो फिर बाद में आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसको जरा सीरियसली लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। अगली खबर देखेंगे, हर साल 16 लाख नौकरियों का लक्ष्य योगी जी ऐसा कह रहे हैं। 2017 से 2022 तक क्या हुआ, बेसिक शिक्षा विभाग में यहाँ पर बोला गया कि 1,20,000 से ज़्यादा पदों पर नौकरी दी गई। एक और बड़ी खबर है, 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जो नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है लोक सेवा आयोग और सबका रखा गया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर नाम नहीं आ रहा। मतलब ये बात क्लियर हो रही है कि 2023 में फिलहाल अभी सरकार नई शिक्षक भर्ती देने पर विचार नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी दोस्तों हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 को, इसके लिए भी हमें अब तैयार रहना है, ठीक है। पेपर हमारा ऑफलाइन मोड में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मान के चलिएगा कि भैया रिजल्ट 15 से 20 दिन में पेपर होने के बाद आ जाएगा, ताबड़तोड़ रिजल्ट आता है ऑफलाइन पेपर में। ऑनलाइन में क्या होता है कि शिफ्ट अलग अलग होती है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो देर से ही अकल तो आ गई सीटेट को, CBSE को, कि ऑनलाइन पेपर कराने से कोई यहाँ पर फायदा होता नहीं है। ऑनलाइन पेपर फायदा उसमें होता है जहाँ पर नौकरी का कोई लक्ष्य होता है, नौकरी मिलने वाली होती है। चलिए ठीक है, 2 महीने पेपर चलेगा। अब सीटेट का पेपर साल भर में 2 बार होता है, अब 2 बार ऑनलाइन पेपर कराने का मतलब है कि पूरा का पूरा समय की बर्बादी। पेपर ऑनलाइन कराने का लक्ष्य क्यों रखा गया था आपको पता होना चाहिए, उस समय कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसके चलते पेपर ऑनलाइन मोड में कराना पड़ा था। अब कोरोना के केसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, परिवार की आय अगर 4 लाख है तो BTEC की फीस माफ़ होगी, लेकिन ये कौन कर रहा है, ये अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय में BTEC प्रोग्राम शुरू करने को कार्यक्रम समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई। ये अपडेट दिल्ली से है, ना कि UP से, इसको जरा ध्यान रखेंगे। 68,500 भर्ती के तहत त्रुटिपूर्ण जिला आवंटन मामले में जिनका जनपद परिवर्तित हुआ उनकी वरिष्ठता क्या है, ये दोस्त यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मतलब हर एक वैकेंसी की अपडेट भी आप तक होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है और यूपी टेट में कब से शुरू हो सकते हैं आवेदन। आप देख सकते हैं दिन रविवार 11 जून 2023 के अपडेट में बात करेंगे यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ दोस्तों, सीटेट के बाद जिन बच्चों ने आवेदन सीटेट में नहीं कर पाए, अगर देखिए सीटेट का ये पहले से क्लियर होता कि पेपर ऑफलाइन होगा ना, तो ये जो जिला वाइज सेंटर भरने की जो दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत ना होती, फिर आराम से आप लोग अपने ज़िले में पेपर दे पाते, कोई दिक्कत पहले नहीं होती थी तो अब भी ना होती। लेकिन देखते हैं क्या होता है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट नोटिस आई थी पब्लिक नोटिस, ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर OMR बेस्ड, ठीक है। अब चलिए जरा देखते हैं आज की परीक्षा डेट शीट। तो ये रही हमारी परीक्षा डेट शीट। तो जो हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर शुरू होगा वो 26/6/2023 से शुरू होगा, और पहले दिन आप लोग 2 पेपर देंगे, कौन कौन सा, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, पहले दिन 2 पेपर होगा। दूसरे दिन 27 तारीख को आप विज्ञान का पेपर देंगे, गणित सामाजिक के दिन 3 पेपर होगा, ठीक है। पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3, और तीसरे दिन में हमारा 3 पेपर होगा। एक बात जरा ध्यान रखिए, जो पेपर पहला देखिए, पेपर 10 बजे से 12 बजे तक, मतलब जो पेपर हमारा 2 घंटे का होता है वो पेपर हमारा 50 नंबर का होगा, पास होने के लिए 25 नंबर लाना पड़ेगा। और जो पेपर दोस्तों आप देखिए 11:30 से 12:30 जैसे गणित का पेपर है, जो पेपर हमारा 1 घंटे का होगा, ठीक है, उसमें पास होने के लिए 25 में से लाना पड़ेगा 12 नंबर। ये इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे।
और कहीं पर भी आपको लापरवाही नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करना है, अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में क्या है, देखिए तृतीय सेमेस्टर में बच्चे बिल्कुल भी गलती ना करें, तो अभी वैकेंसी जल्द ही आने के आसार हैं, फेल मत होइएगा। देखिए फेल जो बच्चे हो गए कौन कौन से सेमेस्टर में, सेकेंड और फोर्थ में। अब बताइए जो हमारी परीक्षा डेट शीट जारी की गई है कौन कौन सी जारी हुई, फर्स्ट और थर्ड की, तो मतलब साफ है कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर अब अभी समय लगेगा, मतलब मान के चलिए वही अक्टूबर नवंबर तक जा सकते हैं, जब अभी पेपर नहीं हुआ तो फिर वही मान के चलेंगे हम लोग, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सीटेट की जो सार्वजनिक सूचना या पब्लिक नोटिस जारी की गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा की जो तारीख रखी गई 20 अगस्त 2023 दिन रविवार को, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत होती है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपका आना चाहिए। तो परीक्षा डेट शीट तृतीय सेमेस्टर की, प्रथम सेमेस्टर की, सीटेट की जो ऑफिशियल नोटिस आई थी ये है, और उसके बाद दोस्तों देखिए तैयारी कैसे करना है, पेपर में कैसे एक अच्छा स्कोर करना है उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इस अपडेट को देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार हर वर्ष मतलब 1 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नियुक्तियों की संभावनाएं विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा धरातल पर उतारे गए कार्यक्रमों को केंद्र सरकार देश भर में लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को, ठीक है, SGPGI में 9 चयनित 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ये बातें कही। नर्सों की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका महत्व किसी भी स्थिति में डॉक्टरों से कम नहीं है, चिकित्सकों के मार्गदर्शन में नर्सिंग स्टाफ मरीज के साथ अपने व्यवहार और सेवा के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो 2017 से 2022 तक कौन कौन सी नौकरी आई, लोक सेवा आयोग में 40,000 से ज्यादा, UPSSC में 19,000 से ज्यादा, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 5,000 से ज्यादा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 33,492, विद्युत सेवा आयोग में 7,975, पुलिस बोर्ड में 1,53,965, बेसिक में 1,20,554, कुल 3,81,754 ये दोस्तों नौकरियों को लक्ष्य था। अब जो आने वाली वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर बेसिक शिक्षा का नाम नहीं आ रहा, बेसिक शिक्षा विभाग का नाम इसमें देखिए कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, ये 31 दिसंबर 2023 तक नौकरियों कराने का लक्ष्य रखा गया है, नियुक्ति पत्र जो भी है कि मिल जाना चाहिए। तो ठीक है, बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो एक बात और अच्छी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने को कार्यक्रम समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई, इसमें फैसला लिया गया कि जिन छात्रों के परिवार की आमदनी सालाना 4 लाख रुपए तक है उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, 4 से 8 लाख रुपए तक आय वर्ग वालों को आधी जबकि इससे अधिक आय वालों को पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों फीस को लेकर एक अच्छी खबर है, बीटेक में फीस भी काफी ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के उद्देश्य से नकल माफिया पर प्रभावी नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है। नकल माफिया और साल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए नया कानून बनाने के राज्य विधि आयोग के सुझाव पर शासन विचार कर रहा है। नया कानून लागू हुआ तो न सिर्फ नकल माफिया की संपत्तियां जब्त तो हो सकेंगी बल्कि उसे 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकेगा। देख सकते हैं दोस्तों 14 लाख रुपए मतलब 14 साल की जेल और 25 लाख तक का जुर्माना है। ठीक है, तो आने वाली जो भर्तियों में नकल इन सब की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। काफी बच्चे सोचते हैं कि भैया सीटेट का पेपर ऑफलाइन हो गया तो पेपर आउट हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जब पेपर ऑनलाइन था तब भी पेपर आउट पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही थी, 2-2 लाख रुपए में पेपर खरीद फरोख की बात सामने आई थी। तो ठीक है, पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन होने से ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो इसको लेकर आपको परेशान मत होइएगा। तो यूपी टेट में कब से शुरू होगा आवेदन, तो अभी फिलहाल दोस्तों नए आयोग के चक्कर में सब कुछ फंसा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार या तो PNP से ही पेपर करवा ले यूपी टेट के, इस बार नेक्स्ट टाइम नए आयोग से कराएं क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। देखते हैं, फैसला सरकार का ही अंतिम होगा। और जो हमने एक अपडेट आपके सामने या नोटिस आपके सामने रखी थी कि ये दोस्तों तारीख देख लीजिएगा, 13 तारीख के बाद आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे कॉलेज में, अगर आपके कॉलेज वालों ने आपका फॉर्म नहीं भरा तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों का जारी किया जाता है जिन बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, और प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसे हैं भाई कि कभी कभी कुछ बच्चों का फॉर्म भरते भी नहीं अगर फीस का मैटर हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, कॉलेज से संपर्क में रहिएगा,
कि आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत ना आने पाए, नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।